हाँ दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम बता दें कि अगर आप दिल्ली मेट्रो में डेली ट्रेवल करते हैं तो आप इसके लिए टोकन या कार्ड का उपयोग करते होंगे, बट आने वाले समय में आपको न तो टोकन न तो कार्ड मिलने जा रहा है। आपका जो अपना फ़ोन होगा वही आपका टोकन और कार्ड का काम करेगा। हाँ दोस्तों, आप चौंकिए मत, आने वाले कुछ समय में डेली मेट्रो यात्रियों की सुविधा के लिए आपके फ़ोन को ही आपका स्मार्ट कार्ड माने जा रही है। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, तो DMRC जल्द ही एक अपग्रेडेड कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग सिस्टम, जो कि एक नया सिस्टम है जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन मतलब NFC पे काम करता है, को यूज करके आपके स्मार्टफोन को ही मेट्रो स्मार्ट कार्ड माने जा रही है। यह फैसिलिटी अभी केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पे उपलब्ध है। DMRC आने वाले समय में अपने 44 स्टेशन जो कि फोर्थ फेज में बनने वाले हैं उस पर तो लगाएगी, साथ में जो एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टेशन हैं उस पर भी अपने AFC सिस्टम को अपग्रेड करने वाली है। इसके द्वारा जब आप अपने स्मार्टफोन को AFC गेट के पास लाएंगे तो ऑटोमेटिक AFC गेट आपके फ़ोन से पैसा डिडक्ट कर लेगा। इस सिस्टम के आ जाने के साथ ही पैसेंजर जो टिकट की सेवा है वह 5 तरीके से ले सकेंगे। पहला स्मार्ट कार्ड के थ्रू, दूसरा NCMC कार्ड जिसको हम नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बोलते हैं, तीसरा मोबाइल बेस्ड NFC के द्वारा, चौथा मोबाइल QR कोड के द्वारा, पांचवा पेपर QR कोड के द्वारा। तो इस प्रकार पैसेंजर को काफ़ी सहूलियत होगी। अभी इनको लाइन में लगना पड़ता है मेट्रो कार्ड चार्ज करने के लिए, टोकन लेने के लिए। इन सब के साथ ही दिल्ली मेट्रो पॉइंट ऑफ सेल जिसको हम पॉज टर्मिनल बोलते हैं उसको भी टिकटिंग मशीन से इंटीग्रेट करने वाली है इन फेज वन और जो फेज टू के स्टेशन हैं। इसके साथ ही स्मार्ट कार्ड पॉज मशीन से ही रिचार्ज हो जाएंगे। स्टेप होगा वह पैसेंजरों के लिए काफ़ी सहूलियत देने वाला होगा, पैसेंजरों को लाइन बुकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही जो मेट्रो का सपना है कंप्लीट डिजिटाइजेशन और कैशलेस सिस्टम, उसको भी अचीव करने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।